2010 से लेकर 2020 तक यहाँ पर हमने एक स्मार्टफोन रिवोल्यूशन देखा, कैसे हम एक फीचर फोन से स्मार्टफोन के ऊपर आ गए। लेकिन 2020 से लेकर 2030 के बीच एक नया टाइप का रिवोल्यूशन देख रहा हूँ और वो है एक AI का रिवोल्यूशन। यानी कि अक्सर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और ये जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना, ये आज के समय में लिटरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारी अभी की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रही है और आने वाले 5 से 10 साल के बाद हमारी पूरी जिंदगी यहाँ पर बदल कर रख देगी। और इन सब की शुरुआत होती है एक कंपनी से जो 2015 में फाउंड हुई थी और वो थी यहाँ पे OpenAI। अब OpenAI जैसी कंपनी के प्रोडक्ट्स तो अब आए, ChatGPT अब जाके पॉपुलर हुआ है, लेकिन लिटरली ये कंपनी 10 साल पुरानी हो चुकी है। और यहाँ पे ये कंपनी की जो शुरुआत थी वो ये सोच के की गई थी कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्रिएट करनी है जो ह्यूमन की सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाए और यहाँ पे हमारी मदद करे, एक ऐसी चीज यहाँ पे बनानी थी। हालांकि कई सालों तक ये कंपनी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिवली काम करती रही, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन 2022 में जब ये लोग अपना ChatGPT निकालते ना, तब ये मार्केट के पूरे गेम को बदल देता है, क्योंकि लोग पहली बार अच्छे तरीके से एक रियल AI या फिर मैं कहूँ जेनरेटिव AI से इंट्रोड्यूस होते हैं। अब ये जेनरेटिव AI यहाँ पर क्या है? जनरेटिव AI वो है कि एक AI एक ह्यूमन जैसे लिख सकती है, बोल सकती है, पढ़ सकती है, सोच सकती है और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकती है। ये होती है आपकी जेन AI यानी कि जनरेटिव AI। और इस AI को बनाने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जाता है, यानी कि AI मॉडल है और उसे अलग अलग टाइप का डेटा दिया जाता है, टेक्स्ट का डेटा दिया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है, ऑडियो सुनाया जाता है, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रेन किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर ये पड़ता है कि ये AI इस तरीके से इवॉल्व हो जाती है कि ह्यूमन जैसे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, और सिर्फ रिटन और टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, ये इमेजेस बना सकती है, पोएम बना सकती है, आज के समय में म्यूजिक बना सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पे पॉसिबल है। और ये सबकी जो शुरुआत थी वो 2022 में ChatGPT के साथ हुई थी। हालांकि देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर इतना बड़ा था कि आप एक AI चैटबॉट से यहाँ पे बात कर रहे हैं और आपको रटे रटाए आंसर नहीं दे रहा, वो सोच के आपको कई सारे आंसर बनाकर दे रहा और खुद पहले से ज्यादा सीखता जा रहा है। यहाँ पे GPT-3 आया, GPT-4 आया, जो लेवल के हिसाब से देखा तो पहले से ज्यादा एडवांस थे, और जब इसको इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट कर दिया गया तो उसने कई सारी चीजें सीख के आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे डेटा यहाँ पर निकाल कर देता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, दुनिया की कई बड़ी कंपनीज के ऊपर पड़ा। जो कंपनीज एक टाइम पे AI में लीड कर रही थी उन्हें भी देख के लगा कि AI में वो कितने ज्यादा पीछे हैं। एग्जांपल तू गूगल के पूरे पास डीप माइंड नाम की रिसर्च लैब है जिसके अंदर वो यहाँ पे अलग अलग AI को क्रिएट करते, लेकिन ये देख के उन्हें लगा कि अगर ChatGPT जैसी चीज अगर मार्केट में पॉपुलर होगी तो गूगल जैसी कंपनी का भी सर्वनाश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली लोग गूगल सर्च को यूज करना बंद करके सीधे ChatGPT के ऊपर मूव कर सकते हैं। इसलिए पहले वो गूगल की बार्ड लेकर आए और फिर गूगल ने भी अपना खुद का LLM बनाया जिसे उन्होंने जेमिनी कहा यहाँ पे, और आज के समय में गूगल जेमिनी यहाँ पे चलता है। ऐसे ही ट्विटर का नाम जब X हुआ तो एलॉन मस्क ने भी एक नई कंपनी फाउंड करी XAI, और उन्होंने भी अपना चैटबॉट निकाला जिसे ग्रॉक कहा जाता है। ये ChatGPT से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और मार्केट में ऐसे कुछ ही सिलेक्टेड मॉडल्स हैं जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट देखा जाए तो उन्होंने ChatGPT के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जिस कारण से ChatGPT और OpenAI के फीचर वो अपने प्रोडक्ट्स में बिल्ड कर पाए। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के बारे में बात करें या फिर जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जिससे वो इमेज जनरेट कर सकते थे, ऐसे ही आपको मिड जर्नी देखने को मिला और भी ढेर सारी चीजें। इवन इंपैक्ट उनका इतना ज्यादा बड़ा था कि मार्केट में AI में इतना कंपटीशन क्रिएट हुआ है कि आप लगातार नए से नए प्रोडक्ट, नई से नई चीजें देख रहे हैं। हाल ही में OpenAI ने अपना सोरा रिलीज किया जिसके अंदर आप AI जनरेटेड वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद यहाँ पे गूगल ने भी व्यू 2 को दिखाया जिसके अंदर आप टेक्स्ट डाल के वीडियोस को बना सकते हो, और इनकी क्वालिटी OpenAI की जो सोरा दिखाई गई थी उससे भी ज्यादा बेटर है। यानी कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर एक चीज में किया जा सकता है जिससे लोग जो है वो अपने काम को बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। और इसे देख के लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं कि बहुत ही जल्द एक पूरी की पूरी फिल्म जिसके अंदर डायलॉग भी AI ने लिखे होंगे, स्क्रिप्ट भी AI ने लिखी होगी,
यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो AI होगा वो ही पूरी फिल्म को रिकॉर्ड कर लेगा, शूट कर लेगा, उसके अंदर लोगों की आवाज, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ निकाल देगा और वो आपको कुछ ही मिनटों के अंदर देखने को मिलेगी। वेल, हम इसी रास्ते पर यहाँ पे चल पड़े और ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इन सबका जो क्रेडिट है वो OpenAI को जाता। OpenAI एक रेस शुरू नहीं करता ना, तो ये चीजें कभी आपको देखने को नहीं मिलती। OpenAI ChatGPT लाया तो यहाँ पे गूगल को अपनी जेमिनी लानी पड़ी। इसके साथ ही क्लाउड ओपस नाम से आती है, सोनार 32 के नाम से आती है, अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट होते। इवन यहाँ पे मेटा की बात करें जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसने भी अपना खुद का LLM इंट्रोड्यूस किया जो कि लामा AI होता है। और लामा AI को पहली बार मेटा ने यहाँ पे इसको ओपन सोर्स रखा ताकि दूसरे लोग भी इस चीज को यहाँ पे यूज कर सके, जिसके अंदर आप ऑब्वियसली टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में ऑलरेडी आ चुका है। इमेज जनरेशन आसान हो चुका है, AI का यूज करके कॉन्वर्जेशन करना आसान हो चुका है, यार ये सारी चीजें। और देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों में कई सारी AI की यहाँ पे बाढ़ आ गई। अब देखा जाए तो 90% जितने भी AI टूल्स आपको देखने को मिलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप से AI रैपर है। बेसिकली बात ये रहती है कि OpenAI यहाँ पे ज्यादातर जो पैसा बनाती है वो बनाती है API सेल करके, यानी कि आपको अपनी ChatGPT की AI देगी, उस पर वो चार्ज लगाएगी और उस API का यूज करके अपनी ऐप के अंदर अपनी फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट कर दो, जैसा कुछ आज के समय में एप्पल ने अपनी एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर किया कि वो लोग भी यहाँ पे अपनी AI के अंदर ChatGPT का काफी सहारा लेते हैं, लेकिन वो ओपन है कि बताते कि हम आपका जो डेटा होता है वो OpenAI के सर्वर्स पे भेजेंगे। लेकिन बात रहती है कि मार्केट में ज्यादातर जो AI बेस्ड एप्स है वो इन्हीं का ही यूज कर रहे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो AI और बड़ी बड़ी चीजें डेवलप कर रखी है ना, इन्हीं का यहाँ पे यूज करना है और अपनी जो ऐप उन्होंने बनाई है उसके अंदर इनकी फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट करना है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर ये पड़ता है कि यहाँ पे कोई भी जो ऐप रहती है ना वो यहाँ पे इनडायरेक्टली खुद सारी AI को प्रोसेस नहीं करती है, ये सर्वर्स होते हैं इनके वहां भेजती है, वो अब इसको प्रोसेस करता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पे सामने से दिखाती है। इस वजह से AI रैपर या ChatGPT रैपर बेस्ड एप्स बहुत सारी है मार्केट में जो चैटबॉट की तरीके से भी काम करती है और कई सारी इमेज जनरेशन के अंदर भी डाली, मिड जर्मी, अलग अलग चीजों का काम करती है, तो ये चीज भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। और कंटेंट क्रिएशन के गेम में अडोबी जैसी कंपनी ने भी AI की यहाँ पे हेल्प ली है, जिसके अंदर AI का यूज करके इमेज जनरेशन, वीडियो एडिटिंग ये सब भी पॉसिबल है, वीडियो क्रिएशन पॉसिबल है, यहाँ तक कि बाकी जो स्पीच टू टेक्स्ट पॉसिबल है, टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आपको कोड लिखना है, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का ऐप बनानी है, वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। देख के सुन के लगता है कि ये चीज यहाँ पे कितनी खतरनाक हो सकती है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ कि आने वाले समय में AI के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, जब इंटरनेट नया नया आया था तो इसके अंदर कोई सर्च के इतने अच्छे टूल्स मौजूद नहीं थे। गूगल सर्च आया जिसके अंदर आप क्वेरी लिख के इंटरनेट पे अपनी जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसे फाइंड कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी जगह आपको क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। वेबसाइट ढूंढना गूगल सर्च के बाद आसान हो गया। इसी चीज को AI का इंप्लीमेंट करके इस चीज को रिवोल्यूशनाइज किया गया। परप्लेक्सिटी AI जिसे अरविंद श्रीनिवास ने यहाँ पे फाउंड किया था, यहाँ पर ये भी यूज करते GPT का, क्लाउड AI का और यहाँ पे सोनार 32 का, जिसका यूज करके आपको AI बेस्ड सर्च रिजल्ट देख कर देते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो ChatGPT में भी यहाँ पे सर्च चीज वाली जो चीज होती है वो प्रोवाइड करी कि ChatGPT के अंदर भी इन्होंने सर्च इंजन क्रिएट किया। गूगल भी अपनी AI के अंदर सर्चेस को इंटीग्रेट कर रही, Gemini को इंटीग्रेट कर रही है और यहाँ तक कि Bing के अंदर भी आपको Copilot की AI देखने को मिलती है जहाँ पे ChatGPT का यूज किया जाता है। तो AI इनेबल्ड सर्च इंजन एक नॉर्मली चीज बन चुके हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कई कंपनीज छोटे छोटे मॉडल, छोटी छोटी चीजों को ऑन डिवाइस रन कर रही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज को पायलट प्लस है जो कुछ लैपटॉप्स पे रन होती है, जिसके अंदर आप बेसिक इमेज क्रिएशन कर सकते हैं। कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके आपको इंग्लिश सबटाइटल चाहिए तो वो चीज वहां पे पॉसिबल है। अगर आपने छोटा सा स्केच क्रिएट किया पेंट में तो वो AI में बन सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें ऑन डिवाइस यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन सच बात यह कि मेजोरिटी अगर AI का अगर आपको यूज करना है वो आपको ढेर सारा सर्वर साइड पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो वहीं आगे चल के वहीं प्रोसेस की जाएगी। और इससे देख के खतरनाक वाली सिचुएशन भी अराइज होती है कि आगे चल के इसके बाद लोगों के यूजर डेटा का क्या होगा, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके अंदर AI इंटीग्रेटेड है तो आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। प्राइवेसी को लेकर आगे इसके बड़े कंसर्न हो सकते हैं कि कैसे आपका डेटा, आपकी आवाज, आपकी सोच वो AI को ट्रेन करने में लगा रहे हैं और AI को पहले से ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक लेवल
लेवल पर अगर AI ज्यादा एडवांस होती चली गई तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमंस के ऊपर भी आ सकता है। और इसी चीज को कहा जाता है सिंगुलैरिटी। जब AI इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाए कि ह्यूमंस आगे निकल जाए, या फिर आपने AGI का नाम सुना होगा जिसके अंदर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर AI इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि एक ह्यूमन माइंड जैसे सोच पा रही है और उससे ज्यादा भी कर सकती है, यानी कि वो डिसीजन ले सकती जो ह्यूमन माइंड नहीं ले सकता। और ये बहुत खतरनाक चीज है। इसे देख के यार मेरे को तो टर्मिनेटर जैसी फिल्मों की याद आ जाती है, जहां पर AI इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि ह्यूमन रेस के अगेंस्ट हो गई। वेल, अभी हम उस लेवल पर नहीं आए, लेकिन उस डायरेक्शन में यहाँ पे काम हो रहा है। और AGI जैसी चीज अगर अचीव होती तो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होगी, आपकी सोच से भी बढ़ रहे। इसके साथ ही आज के समय में बात करें तो इम्पैक्ट AI का यहाँ पे कहाँ कहाँ पड़ रहा है। देखो, जितने भी टास्क पहले चार लोग कर सकते थे, अब वो चार लोग काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है। यहाँ पे इमेज बनाना हो गया, रिसर्च करना हो गया, सर्च करना हो गया, यहाँ पे कई सारी चीजों की जो चीजें होंगी वो सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी और लोग जो रहेंगे उनकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। और सिंपल सी बात है कि आज के समय में अगर आप AI की बात नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे जॉब्स भी ले जाएगी। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप AI को अपने वर्क फ्लो में, अपने काम में ऑलरेडी इंटीग्रेट करना शुरू कर दो, एक टूल के जैसे उसे यूज करना शुरू कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आने वाले समय में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आप AI को टोटली इग्नोर कर रहे हो तो आपको सच बात बता सकता हूँ कि आने वाले समय में आपके फ्यूचर को लेके, आपके कैरियर को लेके इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, क्योंकि जिस तेजी से चीजें इवॉल्व हो रही है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। हालांकि मैं एक बात बता सकता हूँ, अभी हम इसके फर्स्ट फेज में चीजें अभी बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व होंगी, लेकिन कुछ समय के बाद इनमें भी एक ठहराव आएगा और धीरे धीरे जो एडवांसमेंट होता है वो भी स्लो हो जाएगा। वो 2030 तक हम देखेंगे, उसके बाद इतने बड़े मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अभी एक सही समय अपने आप को AI के रूप में टारगेट करने का, AI का किस तरीके से यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ये एक सिंपल सी चीज है। क्योंकि जो इंसान AI का यूज नहीं करेगा वो पीछे निकल जाएगा। बेसिक बात है कि ये चीज हमने अक्सर देखी है कि कोई भी चीज अगर अपने आप को रेसिस्ट करती है बदलने से, वो यहाँ पे पीछे छूट जाती है। नोकिया फीचर फोन में बादशाह हुआ करता था, स्मार्टफोन आए, वो यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे चीजें में बदलाव आता रहता है और जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और आज के समय में जो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हालांकि देखा जाए तो आज भी रियल लाइफ की जो ऑन डिवाइस AI होती है वो आपको अभी तक देखने को नहीं मिली। एक एग्जांपल देता हूँ, AI से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में थे। रैबिट का R1 आया था, ह्यूमन की AI पेन आई थी, लेकिन ये टोटली डिजास्टर है, क्योंकि लिटरली AI जो सॉफ्टवेयर की चीज है ये उसको हार्डवेयर के रूप में बेचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर ये कि अगर इसकी ऐप बना के, इसका प्रॉपर OS बना के मोबाइल फोन आपके डिवाइसेस में डाल दिया जाए तो चीजें बदल सकती है ना। और यहाँ पे ये काम चल रहा है AI एनेबल्ड OS का, जिसके अंदर क्या रहेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन या आपके डिवाइस में रहेगी, वहां पे AI आपके सारे काम कर देगी। और ये भी एक नया कंसेप्ट होगा, आने वाले कुछ सालों में हम इस चीज को देखेंगे। और इससे बताऊं क्या रहेगा कि आपको ना पर्टिकुलर ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक सिंगल एक लाइन में वॉइस कमांड देनी है, आपके लिए सारी की सारी चीजें खुद कर देगा। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक फिल्म देखनी है तो आपको बोलना है कि मेरे को पुष्पा 2 का टिकट बुक कर दो जो इतने बजे का हो, तो आपको सारी चीजें खुद करके दे देगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बोलो कि आपको वहां जाना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो सबसे सस्ते फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट या बस के टिकट्स कौन कौन से होंगे तो वो आपको बनाकर दे देगा, आपको आइटनरी क्रिएट करके दे देगा, आपके यहाँ पे सारी बुकिंग करके दे देगा, आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे करना ही नहीं है। और ये सारी की सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, इतनी आसान हो जाएंगी कि सिर्फ एक लाइन में ही आप जो है ना वो अपना यहाँ पे काम कर सकते हो। ये चीज भी देखने सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर कर रहे हो, OpenAI की एडवांसमेंट, इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आने वाले जमाने में ये सारी चीजें बदल रही है और अभी के समय में ही लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। आज के समय में एंटरटेनमेंट के रूप में आप मीम देख सकते हो, AI के रूप में आप यहाँ पे अलग अलग वीडियोस देख सकते हो जो AI जनरेटेड होते हैं, AI जनरेटेड फोटोग्राम देख सकते हो, लेकिन लिटरली इसका जो यूज केस है यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। और सच बात बता रहा हूँ, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आने वाला है, जो आने वाले समय में हम यहाँ पे याद रखेंगे और शायद एक ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ी इंपैक्ट वाली चीज हो सकता है। और यार, इन सब की शुरुआत OpenAI ने यहाँ पे करी थी। अब देखने वाली बात है कि कितना रिस्की रहता है, कितना खतरनाक रहता है हमारे ह्यूमंस के लिए, या फिर जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन होती है ना, इसे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। लेकिन देख के एक इंटरेस्टिंग लगता है।
और इन सब की शुरुआत OpenAI ने करी थी जिसके बारे में मैंने बताया। बाकी मैं भी आज के समय में कई सारे AI टूल्स का यूज करने लगा हूँ, अगर आप भी किसी AI या किसी टूल का यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो उसके बारे में जरूर से नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।